संचालक पशुपालन डॉक्टर पक्षवार की कुशल मार्गदर्शन एवं जिले के वन प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम द्वारा कोबरा सांप की जांच करने पर पाया गया। कि सांप का निचला जबड़ा और ऊपर के दोनों विषैले दांत क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गर्दन के ऊपर से कुछ पसलियां शरीर के बाहर आ गई। कोबरा की गंभीर स्थिति को देखते हुए जांच उपरांत विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा सर्वप्रथम एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया और लगभग 45 मिनट से ज्यादा चली जटिल सर्जरी के पश्चात कोबरा सांप को होश आ गया, जिसमें निचले जबड़े में और पसलियों के अंदर घुलने वाले टाके लगाए गए। सांप को होश आने के पश्चात एंटीबायोटिक एवं दर्दनाशक इंजेक्शन दिया गया और अत्यधिक डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाने पर विशेषज्ञ द्वारा विषैले कोबरा सांप के शरीर में फीडिंग ट्यूब का प्रवेश करवा कर इलेक्ट्रोलाइट एवं गुनगुना पानी दिया गया। डॉक्टर अंकित मेश्राम द्वारा बताया गया कि कोबरा सांप को 3 दिन तक स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु देखरेख में रखा गया, जिसके पश्चात अब सांप पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे जल्द ही वन विभाग के साथ विचारण हेतु प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। कल दिनांक 13 नवंबर को छिंदवाड़ा जिले के उमरा नाला में नेवले से फाइट करके एक ग्रसित एडल्ट कोबरा घायल हो गया था, जिसका रेस्क्यू सर्पमित्र द्वारा किया गया। उपसंचालक पशुपालन विभाग डॉक्टर पक्षवार सर के मार्गदर्शन में इसकी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है। घायल एडल्ट कोबरा जो था उसका निचला जबड़ा जो है टूट गया था और कुछ रिप्स बाहर आ गई थी। सर्वप्रथम जाँच करने के उपरांत एनेस्थीसिया देकर उसे बेहोश किया गया है और बेहोश करने के पश्चात उसे टाके लगाए गए हैं। सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है और 2 से 3 दिन इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद इसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज किया जाएगा। धन्यवाद।